गाइस माय नेम इज लॉगी और गाइस आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी में और चबाती भाई कांप रहा भाई यो 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 माय नेम इज आज मैं अपने चैनल के ऊपर लोगों को पकाऊ करूंगा क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई ओके यार लॉगी मैं तंग आ चुका हूं क्यों ये रहा ओ पीछे ये रहा भाई पंजे टुपो टुपो के मारता हूं भाई ये रहा ओके लॉगी मैंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को यहां पर टाइमिंग माइनिंग जो है नहीं करनी क्यों 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 भाई क्या हुआ मेरे को मिलते ही नहीं है तूने बात नोटिस की यहां पर सिटी के नीचे जितने भी माइंस हैं सारे डायमंड्स हमने खोज लिए हैं वो भी सही बात है भाई हमने सारे डायमंड्स तो खोज लिए होगी की पिकैक्स से तो भाई हमने नहीं सारे डायमंड्स तूने निकाल लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए क्योंकि भाई मैं माइनक्राफ्ट का प्रो हूं भाई डायमंड्स ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ये लो डायमंड्स भी नहीं देता ऊपर मेरे को लोग मार रहे हैं कैसे काम का तो गाइस मैं चपाती भाई को अभी एक सीक्रेट वाली बात बताता हूं वैसे सीक्रेट तो नहीं है भाई ऑब्वियसली आउट टू द पब्लिक है लेकिन ऑलमोस्ट क्या भाई सीक्रेट है मेरे को बता क्या है भाई सीक्रेट क्या है भाई तो एक्चुअली सिटी के उस तरफ मैंने एक नया रेस्टोरेंट खोल के रखा है आप वहां पर काम करोगे भागो मैं देख के आता हूं पहले मुझे चेक आउट करने दे और गाइस जस्ट सुबह मैंने अपने एनालिटिक्स चेक किए तो मैंने देखा गाइस कि 60% ऑफ यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइब यार तो कम ऑन गाइस प्लीज सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए क्योंकि गाइस ये जो 60% है यार मुझे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं तो गाइस छोटा सा सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए वहां पर है तेरा रेस्टोरेंट अरे अभी भाई वो ऑफिशियली खोला नहीं है भाई मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें उसके ऊपर ऐड करनी है अभी आसमान में क्या देख रहा हूं आसमान में कौन सा कि तूने हवाई रेस्टोरेंट बना के रखा वैसे ये भी सही आइडिया है गाइस अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पायलट है वो दुबई से लेके अमेरिका फ्लाइट लेके जा रहा है उसको बीच में कहीं जहाज रोकना हो तो भूख तो लगेगी ना उसको यार तो मैं आपको छोड़ूंगा ये कुछ ट्राई करते हैं और ये मेरे को वीडियो बना देगा नहीं नहीं आज तो मैंने छोड़ना नहीं आपको क्या कुछ भी बोल रहा भाई आपको क्या लगता है जहाज कहां पे खड़ा होगा बिल्डिंग के ऊपर क्या हां आपको ऐसा लगता है क्या आसमान में बिल्डिंग हो सकती है चल मेरे को रेस्टोरेंट दिखा मैं आपको पूरा छोड़ूंगा नहीं आ जाओ भाई मैं आपको दिखाता हूं अरे भाई आ जाओ भाई देख रहे हो ना मेरा रेस्टोरेंट यहां पर अर्जुन सिंह की तरह रेस्टोरेंट अब तक कंप्लीट हुआ है हां तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और सुनो भाई अभी मुझे यहां पर बाहर लोगो बनाना है और गाइस आपकी जॉब ये है कि आपको गेस करना है कि ये रेस्टोरेंट कौन सा है भाई मेरे लोगो बनाने से पहले और अगर मैं ब्लॉक्स की लोकेशन देखूं और भाई तूने कैमरा भी लगा कर रखी हुई है देख रहा ना भाई मैंने कैमरे भी ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए लगाए और सुनो भाई एक पिकैक्स जोन है मेरे पास पिकैक्स नहीं है ये ले मैं तेरे को दूंगा आज गोल्ड की पिकैक्स और भाई सबसे वीकेस्ट पिकैक्स मुझे देख कर अगर रेस्टोरेंट का मैं लोगो देखूं तो ये मेरे को लग रहा है एम ठीक है हां वैसे सही कर रहे हो और मैंने यहां पर बिल्ड कर दिया और भाई अभी आप गैस कर सकते हो ना भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है अरे तो बहुत सिंपल है तो मंगलू का ढाबा यार क्या बात है भाई मंगलू का ढाबा नहीं है भाई ये मैकडोनल्ड्स है अच्छा हाँ हाँ मैकडोनल्ड भी हो सकता है क्योंकि साइन लुक वैसे लगा है नहीं है मैकडोनल्ड्स ही है मैकडोनल्ड्स ही है किसने बोला मंगलू पागल लगे यार समझ नहीं बोल रहा भाई मंगलू का ढाबा भाई अभी रात को अंदर से भी दिखाता हूँ मैं कल देखूंगा ओके भाई एक मिनट भाई वापस पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिमेनिंग सोफे भी रखते हैं और गाइस अभी मेरा एकदम से मैकडोनल्ड्स कम्प्लीट हो चुका है वैसे लोगे अगर देखा जाए तूने मैकडोनल्ड एकदम मस्त वाला बना के रखा है यार ना भाई और आजो अभी मैं आपको एक छोटा सा टूर भी दिखाता हूँ तो आज से ही हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि देखो यहाँ पर बाहर भी एकदम मस्त वाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं अगर आपको बाहर बैठ के खाना हो तो भाई आपकी मर्जी है सही है ना आजो भाई अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ तो यहाँ पर है अपना वेटिंग लाउंज नेवर बीन डन बिफोर इन अ मैकडोनल्ड्स लिविंग रूम नहीं है भाई ये वेटिंग लाउंज है तो अगर आपका ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसमें टाइम लगेगा ना ऑब्वियसली बड़े ऑर्डर के लिए तो अब यहाँ पर बैठकर टीवी देख सकते हैं टाइम पास के लिए अगर मैकडोनल्ड वाले देख रहे तो ये मेरे को असली में चाहिए और आ जाओ अभी मैं आपको ये वीआईपी लाउंज दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो सोफे वाली सीटें बनी हुई हैं तो मतलब यहाँ पे बैठ के लोग खा सकते हैं हाँ 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 तो ये ऑब्वियस हीटिंग वाली जगह क्योंकि टेबल्स भी पड़ी हुई हैं ये है भाई वीआईपी लाउंज सोफे वाला ये वाला तो देखो वेटिंग रूम में टीवी लगा के रखे और वीआईपी लाउंज में टीवी नहीं है क्या लॉगी का लॉजिक देखा गाइस आपने भाई भाई बजट खत्म हो गया था भाई इतना बजट तो ये देखो भाई यहाँ पर है एक और वीआईपी लाउंज एकदम छोटा सा दीवार के पास ऊपर क्या है ये लाइटें हैं भाई मेरे को लगा था कि ऊपर से लावा गिरेगा जिसने पैसे नहीं दिए ऊपर से बटन दबाया लावा नीचे तो वैसे ये भी खतरनाक आइडिया भाई ओके अभी इसके बाद क्या करना है देखो ये है ऑब्वियसली अपना नॉर्मल सीटिंग एरिया अब यहाँ पर भी बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं और ये रहे अपने स्टाफ क्या बात है तेरे पास तीन तीन बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं अरे जॉब कहाँ होगी अरे अरे एक और भी है भाई और ये रहा अपना ड्राइव थ्रू वाला बंदा ये यहाँ पर काम करता है ये पैसे लेता है सबसे हाँ सुनो ट्रेड करते हैं हाँ हाँ भाई ट्रेड करते हैं आप इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं और ये आपको खाना भी देगा क्या बात है मैकडोनल्ड के अंदर मेरे को लस्सी मिल रही है
कौन सी लस्सी है भाई, हम लस्सी बेचते नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हो, पहले लॉगिन पर को जॉब चाहिए प्लीज। जॉब अप्लाई करने के लिए पहले हमको आपका सीवी भी चाहिए भाई, आपको दिखाओ भाई आप करते क्या है वैसे। देखो मैं बहुत प्रोफेशनल बंदा हूँ, मेरे पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का। अच्छा इंटरव्यू का सर बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, खड़े खड़े आ जाओ वीआईपी लाउंज में बैठते हैं, आ जाओ आ जाओ। वैसे तो एकदम से मजे वाले काम कर रहा है। ओके बैठो बैठो, बैठ रहा हूँ। सर जी देखो ये जॉब मेरे को चाहिए, मैं 1500 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने 1300 डॉलर में काम करके रखा हुआ है। अच्छा फिर वहाँ से क्यों निकल गए? हाँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर काम करना है तो यार। अच्छा, मेरे को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अरे मैं आपको जॉब दिलाता हूँ ना, आप क्यों टेंशन लेते हो? वैसे भाई आपका सीवी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े मेहनती आदमी, आज मैं आपको जॉब देता हूँ। मेरे करना क्या होगा? काम करो आप, ड्राइव थ्रू वाले जॉब ले लो फिर सबसे पहले। तो ये जिम गांडी क्या करेगा, ये जो खड़ा हुआ है इसको मैं टेल के पीछे खड़ा कर दूंगा। भाई मेरे को कब यूनिफॉर्म मिलेगी? जो ट्रायल वाले होते हैं ना, ट्रायल वाले उनको यूनिफॉर्म हम नहीं देते हैं, आप ऐसे ही खड़े हो जाओ, टेंशन मत करो। ट्रायल बेस पे रखा हुआ, मेरे को रियल जॉब चाहिए थी। अरे भाई पहले ट्रायल तो हमें देखते, पहले हमको देखना है कि आप कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर इस मैकडॉनल्ड्स में। और लीजिए तेरा नाइस, दरवाजा मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और अभी आपको बाकी के दिन यहीं पे खड़ा रहना है, सही है ना? कोई बात नहीं। अभी मैं चपाती भाई को थोड़ा टेस्ट करता हूँ, तो गाइज अभी मैं जाकर गाड़ी के साथ अंदर जाऊंगा और मैं ऑर्डर दूंगा सबसे पहले। तो एक काम का, तो गाइज मैं अपनी ये जो स्कूटर है यहीं पे उठा लेता हूँ। तो गाइज यहाँ से मुझे अंदर जाना है अपने ड्राइव थ्रू के अंदर, और गाइज सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑर्डर देना है। तो गाइज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एक पोर्क चॉप्स। ओ बिट्टू ओए काम कर लो ठीक से ओए, कौन चिल्ला रहा भाई? बर्तन मांज लिए वहाँ पर। हेलो 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 सर जी, हेलो क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर? वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज? भाई मैंने ऑर्डर वहाँ पर देकर रखा है भाई, मॉनिटर के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया एक पोर्क चॉप। ओ इसे, हाँ सर जी आप प्लीज, आप क्या आपकी पोर्क चॉप क्योंकि दो डायमंड प्लीज। अच्छा दो डायमंड, देख भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं भाई, मुझे नहीं पता, जानते मैं यहाँ ओनर हूँ यहाँ का। सॉरी सॉरी, हाँ तो ओनर होगा घर पे होगा, डायमंड निकाल चल भाई आपको छोड़ूंगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आप ऐसे काम कर भाई, ऐसे ट्रीट करते हैं कस्टमर्स को? मेरे को पैसे नहीं दे रहा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अच्छा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ भाई, मुझे अंदर आने दो। मूव टू नेक्स्ट विंडो प्लीज। हाँ जी एक मिनट मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं मैं दे रहा हूँ ना ऑर्डर, मेरे को यहाँ पे काम करना है भाई, भागना नहीं आपको, मैंने यहाँ दरवाजे बंद कर देना। ईमानदारी से काम कर रहा हूँ आप, भाई मैं जब ऑर्डर दे रहा था ना तभी मैंने सुना आप चिल्ला रहे हो दूसरे एम्प्लॉइज के ऊपर, कि आपको क्या लगता है अब यहाँ के पता है कस्टमर्स को? अभी मैं क्या करूँ भाई, अभी आपकी नेक्स्ट जॉब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप यहाँ पर करोगे क्लीनिंग, सही है ना? अरे नहीं देखो सर जी गलत बात है, आओ दे मेरे को कपड़ा पकड़ा के रखा हुआ है भाई। चलो भाई इसी टेबल को साफ करो, अभी फिश फिश की जरूरत नहीं है हमें, ये टेबल साफ करना है। नाइस नाइस बहुत बढ़िया, टेबल पर कोई बैठा भी नहीं था, मैं ही टेबल साफ कर रहा हूं भाई, पहले बैठे थे लोग आपके आने से। ये क्या भाई सेम गंदा टिश्यू यूज कर रहे हो हर टेबल के ऊपर? एक टेबल के ऊपर है भाई, भाई बेन काउंटर के पीछे है भाई, तुम्हें फेंक किया तो काउंटर के पीछे, तो जल्दी करो फेंक दिया। और उसके बाद देख रहा हूं यहां से ले रहा हूं भाई, मुझे यहां से दूसरा कपड़ा लेना सफा वाला, ये टेबल साफ करो। नाइस बहुत बढ़िया कर रहे हो, टेबल के ऊपर कैसे खड़े हो गए, नीचे उतरो भाई आप, आप तो किसी काम के लायक नहीं हो। एक मैं आपको एक और जॉब देता हूँ प्लीज, मेरे को मस्त वाली जॉब दो। अच्छा अच्छा एक मिनट मैं आपको एक और जॉब देता हूँ, तो सुनो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास, मैं कलकत्ता से वो कार्टून नेटवर्क वाला बना कर रखा था। आ जाओ फिर, आपकी नेक्स्ट जॉब है कि आपको यहाँ पर ड्राइविंग करनी है, सही है ना? डिलीवरिंग करनी है, डिलीवरी कर रहा हूँ। हाँ डिलीवरी करनी है आपको, यस। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख कर आता हूँ कि हमारे पास डिलीवरी का ऑर्डर किसी ने रखा है कि नहीं, एक मिनट मैं देख कर आता हूँ। अच्छा सुनो भाई, चीफ का ऑर्डर आया, चीफ ने ऑर्डर दिया यहाँ पर, उसने ऑर्डर किया एक बर्थडे केक। जाओ फिर, मेरा ऑर्डर का है, मेरे को ऑर्डर दो ना, लीजिए एक केक सीधा मेरे हाथ में, लेट्स गो। अभी मेरे को गर्मा गर्म चीफ के घर के अंदर लेके जाना, लेकिन काम कर तो गाइस, मैं ये वाली बाइक लूंगा, मैं चपाती वाला सीट पीछे करूंगा। अरे ये मेरी पर्सनल बाइक है, वो दूसरी वाली बाइक लो। तो ये डिलीवरी मैंने इसके अंदर रख दिया और मैं इसको जल्दी से पार्किंग लगा कर आता हूँ। ओके गाइस चपाती बाइक गए, और अभी मैं सीक्रेटली सीक्रेटली उनका पीछा करूंगा, अभी मैं देखता हूँ कि वो कैसे ट्रीट करते हैं चीफ को। ओके मुझे यहाँ पर आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये केक गिर गया तो मेरा ऑर्डर पूरा खराब जाएगा। यहाँ पे स्कूटर पार्क करते हैं और आराम से चपाती भाई मस्त कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से केक निकाला कैसे, पता नहीं पार्किंग की। और गाइस अभी मैं क्या करता हूं, ओके वैसे सही कर रहे हैं, मुझे देख लिया चपाती भाई डायरेक्टली अंदर घुस गए भाई साहब, अभी मैं इनको भी पैसे काटूंगा इसके, ये ऑर्डर मैं बाहर ही छोड़ता हूं, बाद में आके ले लेंगे ठीक है ना। बाहर छोड़ दिया सैंड के ऊपर ऐसे ही, क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो भाई, तेरी बाइक भी ठोक दी भाई, क्या कर रहे हो भाई, आपको पैसे चाहिए कि नहीं, डायमंड कमाने के लिए? डिलीवर कर दिया भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या झूठ बोल रहे हो। ये सबसे पहले तो ये केक ऐसे सैंड के ऊपर नहीं छोड़ते, गंदा हो जाएगा, उसके ऊपर कीड़े बैठ जाएंगे। वो मैं सोच रही थी सर, और दूसरा दरवाजा खुला था फिर भी भाई आपको नॉक करना ऐसी है,
ना, और आप तो ऐसे ही अंदर घुस गए। यार मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है भाई, मैंने इतने सारे, अच्छा मैंने सारा दिन काम किया, वो जो 13 डायमंड तो दो ना प्लीज, 13 साल की जो एक्सपीरियंस है उसका क्या हुआ? वो 13 साल पुरानी एक्सपीरियंस ही अभी वैलिड नहीं है। चलो भाई फिर से हमें शॉप के अंदर जाना है, बैठो। सर जी पता नहीं कहाँ रह गया, रात हो चुकी है, कहाँ पर आया? अरे आ गया मैं भाई, मैं किसी और के लिए डिलीवरी करने गया था, आ गया मैं। डिलीवरी आप कर रहे हो? नाइस नाइस। अच्छा सर जी आज मैंने पूरा दिन काम किया, मैंने पूरा मतलब मन लगा काम किया, अभी मेरे को तनख्वाह भाई मेरे पास आपके लिए बड़ा मोटा सरप्राइज है। सरप्राइज ये कि मैं हम आपको यहाँ से काम से निकाल रहे हैं भाई, आप घर जाइए भाई, आप किसी काम के लायक नहीं हो। ये आपने कौन सी आज जॉब किया भाई, क्या खाक आपने जॉब किया यहाँ पर? भाई मैंने पूरा केक डिलीवरी किया। निकलो यहाँ से, चलो भाई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर नए वाले बंदे हायर करूंगा अपने न्यू मैकडॉनल्ड्स में, लेकिन गाइस चपाती हुआ तो वो रहे भाई, काम तो उनको आता ही नहीं है। तो गाइस मुझे यहाँ पर नए बंदे की सर्च है, और गाइस अगर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर काम करना है तो गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन। और चलो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही काफी, होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।